क्या प्रचार मंत्री बना हुआ था 2010 में, दस्तखत करवाता था ऐसे करके, हाफ पैंट पहन के भागने वाला बेशरम नरेंद्र मोदी के चेला, आरएसएस के पोता, बिरनी के खोता। बताओ, तुम बिहार का बेटा नहीं हरे चोर? बिहार जो है यहाँ सब दिन बाढ़ है, सुखाड़ है, चमकी बोखार है, तो यहाँ कैसे हो? बिहार की जनता लाचार है और नरेंद्र मोदी के सरकार फरार है। तो सुशील मोदी ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने, कि बिहार का विशेष राज्य के दर्जा देंगे, आज कहाँ भाग गए? जब जब चुनाव की बात आती है तो बिहार में एक मांग उठती है और सत्ता पक्ष से भी एक मांग उठाई जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए। क्या प्रचार मंत्री बना हुआ था 2010 में, दस्तखत करवाता था ऐसे करके, कर विशेष राज्य के दर्जा करो नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं किया? अरे पैकेज दिया, क्या पैकेज दिया बिहार को, आंध्र प्रदेश को, क्या हिमाचल प्रदेश को, असम को, मणिपुर को, हिमाचल को, इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया। अब बिहार सबसे पिछड़ा है तो इसको खत्म कर रहा है, कह रहा कि अनुकंपा खत्म हो गया, अब विशेष राज्य के दर्जा अब खत्म है। अरे नरेंद्र मोदी, छुल छुल मोदी उर्फ सुशील मोदी, हाफ पैंट पहन के भागने वाला बेशरम नरेंद्र मोदी के चेला, आरएसएस के पोता, बिरनी के खोता। बताओ, तुम बिहार का बेटा नहीं हरे चोर? चोर इसलिए सब दिन चोर दरवाजा से इस सदन में गया है, कभी चुनाव नहीं लड़ा, एक राजद के सिपाही इसको खड़ा हो जाएगा झंडा लेकर, इसको चहेट करके हरा देगा। क्या बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलने के बाद ही बिहार की विकास हो गई, या बिना विकास विशेष राज्य की दर्जा दिए बिहार की विकास नहीं की जाती है, की जा सकती? देखिए समझिए, ये बात है और इसमें बहुत बड़ी राज है, ये लोग एंटरटेनमेंट करते हैं दस्तखत करवा के, यही बीजेपी दस्तखत करवा रही थी ना पूरे बिहार में, आज इसका सरकार आया क्यों नहीं दे रही है? तो विशेष राज्य का अर्थ हुआ कि अगर आप एक रोटी, पांच रोटी खाने वाले हैं और दुइये गो है तो उसमें चार चार टुकड़ी कीजिएगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हम लोग दूध कट्टू हो गए हैं तो बीमारी हो जाएगी, तो पूरा पांच रोटी चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से चाहिए ना। तो सुशील मोदी ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने, कि बिहार का विशेष राज्य के दर्जा देंगे, आज कहाँ भाग गए? नहीं, जब पार्टियां विपक्ष में होती है तो विशेष राज्य की मांग करती है, वही जब पार्टियां सत्ता में आ जाती है तो भी विकास विशेष राज्य की मांग करती है। हम लोग कब सेंट्रल में गए हैं? इससे पहले सुशील मोदी कर रहे थे, जब वो विपक्ष में थे तो बिहार को विशेष राज्य दिलाने की मांग कर रहे थे। अब दे देना चाहिए ना, लेकिन अब आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं, पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, पांच के बाद हमारा सरकार कहाँ आया? 2010 से ही नारा शुरू हुआ बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, अब पांचे तक हमारा सरकार था। क्या लगता है बिहार को इस बार विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी? मिलना चाहिए, बिहार के तमाम नौजवान और किसान और सारे जनता के हित में है, ताकि गरीब राज्य को विशेष मदद किया जाए, ताकि यहाँ फले फूले, आगे बढ़े बिहार, इसलिए देना चाहिए। अगर आप बिहार की विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं तो हमारा पड़ोसी राज्य वो कहेगा हमारे राज्य को विशेष राज्य दीजिए? परिस्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए फैसला ले, केंद्र सरकार दे विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दो नरेंद्र मोदी। कितना राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइएगा उस हिसाब से? जो सब राज्य गरीब है ना, उड़ीसा भी तो गरीबे है, यूपी जो है, ये सब जो है आपको मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब का टर्न ओवर ज़्यादा है, पंजाब हो गया, ये सब चंडीगढ़ हो गया, ये सब पैसा वाला स्टेट है, और बिहार जो है यहाँ सब दिन बाढ़ है, सुखाड़ है, चमकी बोखार है, तो यहाँ कैसे हो? बिहार की जनता लाचार है और नरेंद्र मोदी के सरकार फरार है, तो इसको देखना पड़ेगा ना। हम सब दिन कमला बलान, कोसी, गंडक, गंगा आती है और सारा हमारा अनाज को बहा के लिए जाती है,
नरेंद्र मोदी का खाली देखते रहते हैं, टुकु टुकु कहते हैं पैकेज दिया, ये दिया, वो दिया, कहाँ दिया। एक लालू यादव पूछता नहीं, पूरा बिहार लालू यादव है वो पूछता है, बताओ क्या पैकेज दिया तुमने। तो विशेष राज का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, ये पूरा देश हित में है और हर एक नौजवान के हित में है। यही हम अपील करेंगे नरेंद्र मोदी से, आई बिरनी के खोता, आरएसएस के पोता सुशील मोदी से। चलिए, तो इन्होंने अपने साफ शब्दों में अपना बात को रखा, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार जो है आर्थिक स्थिति से कमजोर राज्य है, आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है तो आधा बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।